वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वेजिटेबल दलिया की रेसिपी लेकर आए हैं। यह हमने बिना तेल के बनाए हैं और पहले भी हम अपने चैनल पर मीठी दलिया की रेसिपी डाले हैं, आप देख सकते हैं। और दलिया बनाने के तरीके भी, गेहूं के दलिया को हम किस तरीके से घर में बनाते हैं उसकी भी रेसिपी हम अपने चैनल पर डाले हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो फिर दलिया बनाने की शुरू करते हैं। वेजिटेबल दलिया बनाने के लिए हम सबसे पहले दलिया लेंगे। इसका रेसिपी हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये गेहूं की दलिया है और यहाँ थोड़ा सा हमने मूंग की दाल लिया है, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, कैप्सिकम, बीट, टमाटर, कैरोट, हरी मिर्च एक लिए हैं, ये तीखा आप अपने अनुसार ले सकते हैं। इन सभी इन्ग्रीडियंट्स को हम कुकर में हम डाल देते हैं। टमाटर और सारे सब्जियों को इसमें हम डाल देंगे। दो ग्लास पानी डालना है, दी हाफ टेबल स्पून स्वाद अनुसार। इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे, चढ़ा के हमें कुकर बंद कर देना है। सीटी हमें हाई में और एक सीटी लो फ्लेम में लगाना है। और हमारा एक सीटी हाई में लग चुका है, अब एक सीटी कम फ्लेम में लगा करके हम गैस को बंद कर देंगे। हमारा दलिया देखिए बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, इसमें हमने कोई भी तेल यूज नहीं किया है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। इस तरीके से यह गोल मिर्च पाउडर है, इसके ऊपर थोड़ा सा टेस्ट के लिए हम डाल रहे हैं, थोड़ा सा धनिया पत्ता। इस तरीके से आप भी दलिये को बनाएं और खाएं और मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।